हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी क्रिएशंस। और चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं अलार्म को आप कैसे ऑफ़ कर सकते हैं। आपने बहुत वीडियो देखा होगा लेकिन आपको ऑफ़ करना नहीं सिखाते हैं, तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ क्या करना है। यहाँ आपके पास चार बटन हैं, लाइट, मोड, रीसेट और स्टार्ट। तो हमें जो करना है वो मोड बटन को एक बार दबाना है। देखिए, एक बार दबाएंगे तो आप अलार्म वाले पेज पे आ जाते हैं। और इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे आप ये तीन बॉक्सेस आपको दिख रहा है, एक में अलार्म लिखा हुआ है, एक में SIG और एक में SNZ। तो SNZ मतलब स्नूज है, मतलब अलार्म के बाद जो 5-5 मिनट पर आपको सिग्नल मिलता है वो है। तो फिलहाल अभी ये तीनों बॉक्सेस खाली हैं, तो अलार्म को ऑफ करने के लिए अभी फ़िलहाल में अलार्म ऑफ है। तो इसको अगर ऑन करना होगा तो हम ये जो रीसेट बटन है इसको एक बार अगर दबाएंगे तो ये देखिए एक बॉक्स जो अलार्म वाला बॉक्स है उसमें ब्लैक हो गया, तो इसका मतलब है अलार्म हमारा चालू हो गया। ये 8 बजे, मतलब शाम को 8 बजे अलार्म हमारा बजेगा। और इसको हम दोबारा से अगर दबाते हैं तो ये जो स्नूज़ वाला फंक्शन है ये भी ऑन हो जाएगा, मतलब आपको एवरी 5-5 मिनट्स पे ये रिमाइंड करेगा कि आपका अलार्म ऑन है। तो ये सब बंद करने के लिए आप देखिए, आप फिर से दोबारा जब दबाइएगा तो ये सारे मतलब बंद हो गए, अलार्म आपका बंद हो गया है। अलार्म ऑन करने के लिए फिर से आप एक बार दबाएंगे तो आपका मेन समझने वाली यही बात है, आपका जो बॉक्सेस है ये ऑफ रहेगा तो अलार्म बंद है, और इसको दबा के आप अलार्म ऑन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और कुछ भी अगर आपको दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके कुछ सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।